हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो टॉपिक यह है कि हम स्ट्रेंजर SPV-5 के एम्पलीफायर का प्राइस कितना है और इसका वाटेज कितना देता है और कितना वाट का बेस और कितने वाट का टॉप और कितने वाट का मतलब स्पीकर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो आज का वीडियो टॉपिक यही है। तो हमारे वीडियो को छोड़ के कहीं ना जाए, लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस एम्पलीफायर के प्राइस हम लास्ट के वीडियो में बात करेंगे। लास्ट में हम इसके प्राइस डिस्कस करेंगे कि कितना इसका प्राइस है। तो बात कर लें इसमें कि हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसमें हमें मिल जाता है बैलेंस अनलेबल इनपुट, दो हमारे फ़ैन मिल जाते हैं जो कि 4 इंच के हमारे फ़ैन होते हैं, जो कि DC फ़ैन हमें मिलते हैं इसमें, इस एम्पलीफायर में। और क्लिप कंट्रोल और हमारे आउटपुट XLR केबल तो आपको पता ही है, हमारे एम्पलीफायर के पीछे बैक पैनल में दिया रहता है। और इस एम्पलीफायर का वेट है 33 किलो 600 ग्राम, अप्रोक्स इसका वेट है, वजन 33 किलो 600 ग्राम अप्रोक्स इसका है वेट। तो अब बात कर ले कि हम इसमें बेस कितने वाट का चला सकते हैं और टॉप कितने वाट का चला सकते हैं और कितने वाट का स्पीकर। तो हम बात करें 8 ओम की, तो 8 ओम में हम दोस्तों इसमें 1000 या 1200 वाट का एक स्पीकर एक चैनल में हम लगा सकते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। 1000 वाट या 1200 वाट, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, 1000 वाट बेस्ट रहेगा। अब बात कर ले 4 ओम में, तो दोस्तों 4 ओम में हम इसमें 1850 वाट तक का लोड हम डाल सकते हैं, तो हम इसमें 1300 वाट का पेयर आराम से चला सकते हैं। या 4 ओम का मान लीजिए अगर बेस चलाना हो तो अगर रहेगा हमारा 800 वाट का तो 1600 वाट हो जाएगा। 1000 वाट का भी चल जाता है, लेकिन हमें पंच नहीं मिलता है क्योंकि दो स्पीकर हो जाएंगे 4 ओम में, तो हमें इसका वो बेस पंच नहीं मिलेगा क्योंकि 1850 वाट हमें आउटपुट मिलता है 4 ओम में। तो इसमें हम टॉप चलाएंगे 1300 वाट का, हाईएस्ट क्वालिटी का जो रहेगा 1300 वाट या इससे भी ज़्यादा, मतलब 1850 वाट तक हम इसमें 4 ओम ने आराम से चला सकते हैं, जो कि अच्छा चलेगा। उससे कम डालेंगे लोड, कोई भी एम्पलीफायर में हम कम लोड डाल के चलाएंगे, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि कम वाट लोड डाल के चलाने में अच्छा चलता है कोई भी एम्पलीफायर। अब बात कर लें 2 ओम में, तो दोस्तों इसका 2 ओम में इसमें 2500 वाट RMS आउटपुट है 2 ओम लोड में, RMS पावर जो कि हमें आउटपुट मिल जाता है 2500 वाट। तो हम इसमें 1000 वाट का अगर दो पेयर चलाएं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 1000 वाट का दो पेयर प्लस HF भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, HF प्लस कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 500 वाट का दो स्पीकर और 500 वाट का दो स्पीकर, मतलब 500 वाट के 4 स्पीकर हम एक चैनल में चलाएंगे, प्लस HF भी आप लगा लीजिए और एक चैनल में 500 वाट के 4 स्पीकर प्लस HF हम आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं और चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसके बारे में तो अब हम बात कर लिए, तो हम इसका क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई हमें इसमें कितना देना है, मतलब करंट हम इसमें कितना डालें कि अच्छा चलेगा। तो उसका दोस्तों AC पावर इसको देना है, जो कि 220 वोल्टेज हम इसमें देंगे इसको करंट, तो हमारा अच्छा चलेगा एम्पलीफायर। अब इसका प्राइस दोस्तों हम देख लें, तो इसका प्राइस हमारा पड़ जाता है, अप्रोक्स पड़ जाता है 47,500, जो कि इंटरनेट प्राइस है। मार्केट में प्राइस कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि सभी मार्केट में अलग अलग प्राइस, सभी एम्पलीफायर के अलग अलग प्राइस होते रहते हैं। आप अगर कभी भी एम्पलीफायर लेते हैं तो सभी, मतलब 2-3 मार्केट में आप कम से कम
पता करके ही लें कि उस मार्केट में, उस दुकान में कितना एम्पलीफायर का प्राइस है और दूसरे दुकान में एम्पलीफायर का कितना प्राइस है। अगर जहाँ आपको कम पड़े आप वहीं लीजिए तो ये अच्छा रहता है। हम पता करके ही कोई भी एम्पलीफायर को परचेस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। With emotion, fire.